साई राम। मेरा नाम शकुंतला है और मैं दिल्ली द्वारका में रहती हूँ। वैसे तो मैं 2005 से ही बाबा जी से जुड़ी हूँ। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग 8 अक्टूबर को अभी दशहरे पर शिरडी गए थे, और मैं, मेरी बड़ी दीदी और एक और साई भक्त थी हमारे साथ। हम दिन में दशहरे वाले दिन बाबा जी के पास दर्शन करने के लिए गए। वहाँ से जब हम 4 बजे आए, क्योंकि फ़ोन वगैरह हम अंदर अलाउ नहीं था तो नहीं ले जा सकते थे, तो हम वहाँ से आए तो हमने देखा मेरे छोटे ब्रदर के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स थे उसके अंदर। तो हमने, मुझे लगा हमारी ताई जी की डेथ हो गई, क्योंकि वो ही बहुत बीमार थी। तो हमने वापस फ़ोन किया उनको कि भैया क्या हुआ, तो उसने कहा बहन आप कहाँ हो। तो मैंने उसको बताया कि मैं तो शिरडी में हूँ। तो उसने बोला कि तुम बहुत पवित्र जगह पे हो, और बहन नितिन की वाइफ बहुत सीरियस है और वेंटिलेटर पे है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, सिर्फ 15% की उम्मीद बताई है। और जो नितिन है वो मेरी छोटी बहन का बेटा है, उसकी वाइफ की हालत बहुत सीरियस थी। तो मैं मेरी दीदी को बोला दीदी वापस चलो बाबा जी के पास, उनके लिए अरदास लगानी है। हम लोग अंदर गए वापस पासवर्ड बनवा कर, तो दीदी बोली उनका नाम बताओ। उस टाइम मैं सब कुछ भूल गई, ना मुझे नाम याद आ रहा। मैंने कहा दीदी उस नितिन का नाम ले दो, और मैं चुपचाप पागलों की तरह बाबा जी को ही निहारती रही। तो बाबा जी हंस रहे, क्योंकि अक्सर मैं और बाबा जी तन्हाइयों में बहुत बातें करते हैं, तो उस दिन भी वो हंसने लगे वहाँ पर। मैं कह रही बाबा जी आप क्यों हंस रहे हो, कह रहे किस लिए आई है तू यहाँ पर, बोल ना क्या बोलने आई है तू वापस दोबारा। तो मैं वहाँ बैठ करके रोने लगी कि देखो बाबा जी आपको सब कुछ पता है, फिर मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो कि आप बताओ, फिर भी अपने मुँह से बोल तू। मैंने कहा बाबा जी ऐसे है, मेरे छोटे बहन की बहू बहुत सीरियस है और वेंटिलेटर पे है, उसको बचाओ आप। सब ने प्रार्थना की वहाँ पर जाकर। हम वापस फिर होटल में आए, मैंने अपने भाई से वापस बात करी। मैंने कहा भैया कैसी हालत है उनकी, तो कह रहा अभी कुछ भी नहीं मालूम उनका कि क्या होगा। अगले दिन हम वापस फिर गए और एक छोटी सी बाबा जी की मूर्ति ली कि बाबा जी को वहाँ पे छुआ के हम उसके लिए लेके चलते हैं। अंदर जाके देखा बाबा जी आधे क्रैक हो गए। पूरे हम, मैं वहाँ रोने लगी। मैंने कहा दीदी बहू गई, वो कह रही पागल है तू ऐसे क्यों बोल रही है। उन्होंने अपना जो उसका कष्ट था अपने ऊपर ले लिया। ये टूटने का मतलब ये नहीं है कि उस बहू की डेथ हो गई है, ये सोच कि उन्होंने अपना उसका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। हम वहाँ से बाहर आए, आके हमने फ़ोन किया, तो मैंने अपने भाई से पूछा भाई कंचन कैसी है, तो कह रहा है बहन बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। डॉक्टर हैरान हो रहे हैं कि जिसके अंदर कोई भी उम्मीद नहीं थी, सिर्फ 15% उम्मीद थी उसकी, और वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। रात कटी है दुख से मेरी, मैं बयान नहीं कर सकती कि हम लोगों पे क्या गुजर रही थी उस टाइम पर। फिर वापस हम दोबारा से गए, फिर बाबा जी वापस लिए हमने नए, और बाबा जी को वहाँ छुआया हमने और हम लेके आए। फिर वापस भैया का फ़ोन आया मेरे कि बहन डॉक्टर कह रहे हैं अब इसके अंदर पूरे प्राण वापस लौट आए हैं, और ये सारा चमत्कार शिरडी से हो रहा है। तो बस मेरा सबसे बड़ा अनुभव तो यही है कि हमारी बहू वापस लौट के आ गई। जय साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और
साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सदगुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी थे विलामाथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा ओ वाळू आरती माझ्या सद्गुरु नाथा माझ्या साई नाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साई की मंगल मूर्ति, श्री साई सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक ना फायदा ना नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साई की मंगल मूर्ति साई लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साई मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साई लीला टीवी ने खास साई लीला टीवी परिवार के साई भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साई लीला टीवी साई भक्तों द्वारा साई भक्तों के लिए एक उपहार है, इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें
8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साई भक्ति का अटूट सिलसिला, बस देखते रहिए साई लीला।